अकाउंट सीज करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने आयकर भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर जल्द से जल्द अकाउंट को खोलने की मांग की है। अकाउंट सीज करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने आईटी और ईडी के खिलाफ आयकर भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द अकाउंटों को खोलने की मांग की है। इस दौरान विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, जिससे कांग्रेस के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। आरिफ मसूद ने नेताओं के बगावत करने के सवाल पर कहा कि जो योद्धा होगा वह मैदान में डटा रहेगा, जो डर जाएगा वह कहीं भी चला जाएगा। ईडी और आईटी के डर से जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा, कांग्रेस उसका विरोध करती है और इनको समझना चाहिए कांग्रेस का जन्म आजादी की लड़ाई में हुआ था, तो कांग्रेस के लोग लड़ने वाले योद्धा हैं, डरने वाले नहीं। जो योद्धा होगा वो मैदान में रहेगा, जो डर जाएगा तो कहीं भी चला जाएगा उसमें। देखिए, ये तो कांग्रेस से लेके विपक्ष के सभी लोगों पर ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स के हमले कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो मुख्यमंत्री सोरेन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन डरे नहीं, जेल गए और लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी ताकत से। तो हर एक व्यक्ति जो विपक्ष में है वो इनकी अनैतिक जो कार्रवाई है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।